पर अगर आप किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हो ना, तो आपसे बड़ा भगवान कोई दुनिया में नहीं है। आप 10 रुपये दो, 1,000 रुपये दो, कुछ भी दो, बट बच्चे के लिए ज़रूर करो। मैं तो इतना बच्चे के पास समय कम है, सब कुछ आपके हाथ में है। सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है बच्चे के पास, तो मैं इतना जानती हूँ कि हम कमाते, हम पूरी ज़िंदगी हैं कमाते ही रहेंगे। कभी हमारा अंदर से पैसे को लेके ना, अंदर से कभी संतुष्टि होती ही नहीं है। कि इस बार की कमाई में से अगर आप 1,000 रुपये इस बच्चे के नाम अगर आप देते हैं, और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है, वो ज़िंदगी को जी सकता है, वो दुनिया देख सकता है, और उसके माँ बाप खुश हो सकते हैं। 50-60 हज़ार लोग भी हमें 1,000-1,000 रुपये भी दे देते हैं तो भी हमारा ये अमाउंट पूरा हो सकता है। बच्चे के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर अंदर ही लग सकता है ये इंजेक्शन। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। भाभी टाइम से काका सो जाता है या फिर दिक्कत आती है सोने में? बहुत परेशानी रहती है, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि इसको कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता। और बेड, आपने बताया बेड भी नहीं पाता? नहीं, बेड बिल्कुल भी नहीं पाते। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते भैया। भैया बच्चे को हमारे क्या दिक्कत है और बच्चे को ज़िंदगी कैसे मिल पाएगी? कनव 14 महीने का है। कनव को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी बोलते हैं। इस डिसऑर्डर में जो है बॉडी के पार्ट जो हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं, और बॉडी बच्चा जो है वो 2 से 2.5 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाता है। ओहो। तो अभी कनव का जो इलाज है वो एक दवा द्वारा संभव है, जिसकी कॉस्ट जो है वो 17.5 करोड़ के करीबन है। ओके okay. ये भैया इंडिया में इंजेक्शन है या फिर बाहर से आएगा? ये US से इंपोर्ट होना है, नोवार्टिस नाम की कंपनी इसको बनाती है। इंजेक्शन का नाम जोलजेन SMA है। अगर आप सर्च करना चाहें तो गूगल पर सर्च करके इसकी कॉस्ट भी देख सकते हैं। आपने ये भी बताया कि आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है, वो कितना हुआ है जनता को बताएं? हम इम्पैक्ट गुरु प्लेटफॉर्म से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और लगभग 9 करोड़ रुपये अब आज तक इकट्ठा कर चुके हैं, और जो है थोड़ा सा अमाउंट और बाकी है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर 50-60 हज़ार लोग भी हमें 1,000-1,000 रुपये भी दे देते हैं तो भी हमारा ये अमाउंट पूरा हो सकता है। तो दोस्तों आपने बच्चे की मदद करनी है और माता पिता को सलाम है। आपने देखा होगा कितनी जगह आपने इनकी वीडियोस देखी होगी। दीपिका आपने भी कई सेलिब्रिटी को देखा होगा इनकी कनव की वीडियो बनाते हुए। नहीं, बहुत सारे लोगों के ऐसा नहीं, देखो जो भी इंसान है ये वीडियो को देख पा रहा है ना, मैं इतना जानती हूँ कि हम कमाते, हम पूरी ज़िंदगी हैं कमाते ही रहेंगे। कभी हमारा अंदर से पैसे को लेके ना, अंदर से कभी संतुष्टि होती ही नहीं है। तो गाइज़ मैं यही कहूँगी कि इस बार की कमाई में से अगर आप 1,000 रुपये इस बच्चे के नाम अगर आप देते हैं, और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है, वो ज़िंदगी को जी सकता है, वो दुनिया देख सकता है, और उसके माँ बाप खुश हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे की तकलीफ़ माँ बाप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो भी वीडियो देख रहा होगा उनको पता है कि बच्चे की तकलीफ़ क्या होती है। तो मैं बस इतना कहूँगी कि इस बार की कमाई से आप 1,000 रुपये एटलीस्ट डोनेट, जो 1,000 से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ सिर्फ एटलीस्ट 1,000 रुपये तो आप दे ही सकते हो बच्चे की लाइफ को सेव करने के लिए। मैं कह रही हूँ 1-1 रुपये करके भी भैया बहुत कुछ हो जाता है, कुछ तो कीजिए जिससे कि बच्चा अपनी जो, और ये भी है कि बच्चे के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर अंदर ही लग सकता है ये इंजेक्शन। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये बच्चा 2 महीने में हमें बिल्कुल अच्छा हुआ दिख जाए। बहुत बड़ी बात दीपिका ने बताई है कि बच्चे के पास हमारे समय बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आप वेट करेंगे कि आपको आगे करना है, तो इतना सब कर पा रहे हैं। चाहे आप थोड़ा कीजिए, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, 4 लोगों को बताइए, ताकि वो जो कर सकते हैं वो करें और बच्चा ज़िंदगी मतलब जी ले। बस उसके पेरेंट्स के दिल पे क्या बीतती होगी, हम 10-10 बार भी सोचेंगे ना, हम तब भी एक बार भी उसको जज नहीं कर सकते कि भाई क्या तकलीफ उसकी मदर को हो रही होगी। भाभी टाइम से काका सो जाता है या फिर दिक्कत आती है सोने में? बहुत परेशानी रहती है, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि इसको कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता। और बेड, आपने बताया बेड भी नहीं पाता? नहीं, बेड बिल्कुल भी नहीं पाते। इसके जो पैर हैं वो भी बिल्कुल अभी काम करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं, अभी हाथों की मूवमेंट। शरीर भी पूरा येलो हुआ हुआ उसका जी, ये बिल्कुल जो कमजोरी से ये फ्लपी है बिल्कुल। भैया आपने बताया कि कुछ लोग लापरवाही कर सकते हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है अभी, उनके लिए आपने कुछ एक फ़ायदा बताया कि लाइक कैसे वो जांच कराएं, थोड़ा एक बार जनता को राय ना, उनको सीख मिलेगी, प्लस वो ऐसी दिक्कत उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो डिटेक्टेबल होते हैं, ये भी डिजीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पर डिटेक्टेबल है। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आप इसको चेक करा सकते हैं, और अपने गायनोकोलॉजिस्ट से आप जो है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने गायनोकोलॉजिस्ट से आप ये बोलिए कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका टेस्ट अगर वो पॉसिबल है डायग्नोज करना तो वो ज़रूर डायग्नोज करें, क्योंकि इनके इलाज इतने महंगे हैं ना कि बच्चा पैदा होने के बाद आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इनके इलाज को।
तो इनको पहले अगर डायग्नोज किया जाए तभी ये चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं। सनी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारी दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतनी, मतलब मेरे को लगता है कोई एक इंसान ही इनकी मदद कर देगा ना, कि इतना पैसा है दुनिया में, हम अपनी अपनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे लगाते हैं, हमें शौक पूरे करने हैं हम उसके लिए करते हैं, पर अगर आप किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हो ना, तो आपसे बड़ा भगवान कोई दुनिया में नहीं है। आप 10 रुपये दो, 1000 रुपये दो, कुछ भी दो, बट बच्चे के लिए ज़रूर करूँगा। बच्चे के पास समय कम है, सब कुछ आपके हाथ में है, सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है बच्चे के पास, तो प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप बच्चे की हेल्प ज़रूर करें। धन्यवाद।